एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी पे कम और करनी पर ज्यादा भरोसा करता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी एस्ट्रो आंटी। भारतीय सनातन पद्धति में संतान की प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा एक व्रत रखा जाता है जिसे आंवला नवमी कहते हैं। आज ही है आंवला नवमी। इसका महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है आपके घर बेटा हो या बेटी, उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत करना चाहिए। पूजा कर व्यक्ति के समस्त पाप दूर हो जाते हैं, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी वाले दिन महिलाएं आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं विधि विधान से। पूजा अर्चना कैसे करें, कैसे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आज आपको सब कुछ इस कार्यक्रम में पता चलेगा एस्ट्रो आंटी के साथ। तो चलिए, खूबसूरत सा सफर। लेकिन हो सकता है आपके मन में कोई सवाल, दुविधा या परेशानी, तो तुरंत हमें कॉल करें। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप उस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए, राशियों का सफर शुरू करेंगे। सबसे पहले बात मेष राशि की। पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा, व्यापार में मुनाफा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन उधार पैसे आज ना दें। लाल गुलाब अपने पास जरूर रखें। आज पवन पुत्र हनुमान जी को आंवले जरूर अर्पण करें। आप चाहे किसी भी राशि के क्यों ना, आज आंवला खाना, आंवला अर्पण करना अनिवार्य है। बात करेंगे अगली राशि की, जो है वृषभ राशि। आलस से बढ़ेगा, घूमने जा सकते हैं। पिता से मन मुटाव हो सकता है, गलत बात बिल्कुल पापा से तू तू मैं करने की कोई जरूरत नहीं है। लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं और आंवले का दान आप माँ लक्ष्मी को करें। माँ लक्ष्मी के मंदिर में आंवले दान कर आएं, भेद स्वरूप मंदिर में देकर आएं तो बेहतर होगा। सफर को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे अगली राशि की, जो है मिथुन राशि। मन खुश रहेगा, माँ की सेहत बिगड़ सकती है, निवेश आज बिल्कुल भी ना करें। चावल के दाने जेब में रखकर घर से बाहर निकले, लेकिन आज आंवले का दान जरूर करें क्योंकि आंवला हरा होता है। और मिथुन राशि की बात की जाए तो आपकी राशि का स्वामी भी बुध यानी कि हरा रंग होता है, तो आज आंवला खाना और दान करना आपके लिए अनिवार्य। किसको? गणपति जी को आज आंवले भेंट स्वरूप देकर आए आप तो बेहतर होगा। जिंदगी के अंदर हर रोज तिथियां बदलती हैं। शुक्ल पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष आता है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि कार्तिक मास साल में एक बार आता है। कार्तिक मास की नवमी वाले दिन की जाती है आंवले की पूजा। क्या करें इसमें महिलाएं? पहला, नवी के दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि कर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में मुंह कर बैठ जाएं। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। और खाली बैठना नहीं है, आंवला नवमी की कथा होती है, पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर आप आंवला नवमी की कथा जरूर पढ़ें आप। और ये संभव हो सके तो आज पूरा परिवार आंवले के पेड़ के पास बैठकर ही भोजन करें। आंवले के पेड़ की जमकर पूजा करना आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। रजनी जुड़ी हमारे साथ, हमारी पहली कॉलर। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी मैम। जी मैम, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। पूछिए, भाई का नाम बताइए। उनका नाम राजीव चौधरी है। डेट ऑफ बर्थ? 24 जुलाई 1986। 1986 जी। और टाइम? रात्रि 9 बजे। सवाल वो मैम, उसकी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं, और जिस क्षेत्र में वो अभी काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, मतलब ठीक है कि नहीं उसके लिए, और उसका भविष्य कैसा रहेगा? अभी जहाँ काम कर रहे हैं वहीं काम करने दीजिए। अभी दूर तक कोई बदलाव नजर नहीं आता, अगर अभी बदलाव किया गया तो चीजें ज्यादा खराब हो सकती है। शनि की महादशा राहु की अंतरदशा चल रही है, समय उनके फेवर में, ऐसा नहीं है कि फेवर में नहीं है, लेकिन अभी समय बदलाव का नहीं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी। हाँ जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ। जय माता दी। आप इस टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए वरना मुझे आपका फोन काटना पड़ेगा। 3-6-1987। 3-6-1900। सवाल क्या है आपका? सवाल बताइए। वो हमको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है तो हमारी भक्ति, पूजा पाठ और काम करने के तरीके में कोई गलती होती है, कुंडली में कोई दोष नहीं होता। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी भी कार्य में सफलता पानी है तो सुबह उठकर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, सूर्य को नमस्कार और प्रणाम करें, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, काम बनने लग जाएंगे। लक्ष्मी जुड़ी है। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी मैम। जय माता दी। मेरा बच्चा खुश रहो, बताओ डिटेल्स। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7-7-89। 7-7-89। और टाइम? टाइम मैम बता रही। सवाल मैम यह है कि मैम मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी?
पता नहीं जो भी करते हैं वो कुछ होता नहीं है। करती क्या हो? अभी मैम कुछ नहीं करते हैं। मैं कुछ करती हूँ, कर नहीं पाती हूँ और मैं भी मैं कुछ नहीं करती हूँ। कैसा सवाल और कैसा जवाब मैं आपको दूँ। मेरा बच्चा घर बैठे कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं मिलता। हम एक तुलसी का छोटा सा पौधा भी लगाते हैं तो उसमें खाद देनी पड़ती है, सींचना पड़ता है, गुड़ाई करनी पड़ती है, कटिंग करनी पड़ती है, छटाई करनी पड़ती है, दवाई डालनी पड़ती है। जब एक पौधे को इतनी देखभाल चाहिए तो जिंदगी को कितनी देखभाल चाहिए। कोशिश करो, आगे बढ़ोगी, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। सोचे सोच ना होवे पूरी, मैं नहीं बोल रही, गुरुवाणी में लिखा है। गीता जी स्वागत है। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए डिटेल्स। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहता हूँ, उसकी 8 अगस्त 1988 टाइम रात में 12 और 1 के बीच में। मैम सवाल, मुझे इसके शादी के लिए पूछना है, ये विदेश में रहती है वहीं शादी करेगी या इंडिया में करेगी, मुझे बता दीजिए। और कब तक योग है उसका? जी शादी के योग अगर मैं आपको बता दूं तो अभी शादी के योग पूरे बने हुए हैं इस लड़की के, ठीक है। अब आजकल इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब रह सकती है, शादी 2016 में हो जानी चाहिए इसकी और ये वही शादी करेगी। वैशाली जी स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। मैम मुझे अपने पापा के बारे में पूछना है। आप क्या करती हो पहले बताओ। वैसे तो पापा के बारे में पूछना है, अपने बारे में पूछना है। हाँ वो मुझे पता है लेकिन आप क्या करती हो ये तो बता दो। अच्छा हम पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास में? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बाकी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। बताइए पापा का नाम। मुझे कृष्णलाल तिवारी। सवाल, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1961। जी और टाइम? 9:30 है रात का। सवाल, वो कोई भी काम करते हैं तो उतनी लगन की पत्रिका बनती है आपके पापा की और धनु राशि बनती है, कोई भी काम करते उसमें सफलता नहीं मिलती है। इनके बारे में बता दूं, मूलों में पैदा हुए हैं ये। क्या इनके मम्मी पापा ने इनकी पूजा करवाई थी? मूलों में पैदा हुए बच्चे के हर काम रुक रुक कर होते हैं अगर माता पिता सही समय पे पूजा नहीं कराते तो। दादा दादी से ये बात पूछो। खैर अब तो पूजा कराने का कोई समय या चीजें नहीं रही। अब फिलहाल एक उपाय, गणेश की पूजा। राजेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। जब मैं अपने लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। पूछिए। इनका जन्म है 8 जनवरी 1998। 1998 जी, 1:15 दोपहर का। सवाल? सवाल ये है कि इनकी भविष्य के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। पढ़ता है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, कि आगे कैसा निकलेगा। पढ़ाई इस बच्चे के भाग्य में बहुत ज्यादा दिखती नहीं है, जबरदस्ती पढ़ाई मत कराइए। किसी टैलेंट को, किसी हुनर को इसके अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए, वो हुनर आपको दिख जाएगा, उसमें ही आगे बढ़ेगा। और वैसे भी अब आपके या दादाजी के जमाने का टाइम रहा नहीं है जहां बच्चे सिर्फ पढ़कर ही आगे बढ़े, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज अगर बच्चे 12th भी कर ले तो बहुत कुछ कर लेते हैं, इतने कॉम्पिटिशन, इतने कोर्सेज हैं कि 12th के बाद भी बच्चे अच्छा अच्छा 30-40 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो अगर पढ़ाई बच्चे नहीं भी कर रहे तो जबरदस्ती पढ़ाई कराने से अच्छा है कि बच्चे से पूछे वो करना क्या चाहता है। और अगर कोई भी बच्चा इस वक्त मेरा ये कार्यक्रम देख रहा है तो मैं बता दूं, बच्चों कम से कम 12वीं पास तो होना ही चाहिए इंसान को। आप सोचो कि 7वीं 8वीं फेल हो जाओ तो कल बड़ा शर्म आएगी आपको लोगों को ये बात बताने में कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। 7th फेल 8th पास तो थोड़ा शर्म आएगी। रेखा जी स्वागत है। मैम हमें ये पूछना है, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं मैम, और मैम हमारे 12 बार मिसकैरेज हो रहे हैं मैम। हम 3 बार मिसकैरेज हो चुके हैं। मिसकैरेज क्या करें? मिसकैरेज कौन से महीने में होता है मैम? यही होता है, 1 अप्रैल में हुआ है मैम और मार्च में हुआ है मैम। मेरा बच्चा, मैं उस महीने की बात नहीं कर रही हूँ, आपके पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में। मैम तीसरे महीने में हुआ है और चौथे महीने में हुआ है। जो भी कुछ होता है तीसरे से चौथे महीने के बीच में होता है। राहु इसका कारक है, ठीक है। राहु का एक उपाय बताती हूँ, वो करो। सबसे पहली बात तो अब की बार जब भी कंसीव करो आप, उसके बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ करने लगना। और मैं आपको बता दूं, आप ही एग्जांपल हैं लोगों के लिए। आपके जो मिसकैरेज हो रहे हैं ना, किसी पूर्व जन्म में आपने जरूर बहुत सारी बेटियों के अबॉर्शन करवाए होंगे कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, तो इस जन्म में भगवान अपने आप आपके अबॉर्शन करवा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए जो लोग बेटियों को पैदा नहीं होने देते और लिंग का जो है परीक्षण करवाकर बेटियों को मारते जाते हैं, ये समझ लीजिए ये भोग तो कभी आपको भोगना ही होगा। दूसरा, माँ दुर्गा के मंदिर में जाके एक नारियल अर्पण करके माफी मांगो नाक रगड़ कर कि जाने अनजाने में किसी भी पूर्व जन्म में मैंने अगर ऐसा कोई पाप किया है तो मेरे बच्चे की आप रक्षा करो, मुझे माफ कर दो। उसके बाद आपका बच्चा नहीं गिरेगा। रीना जी स्वागत है। हाँ जय माता दी मैम। खुश रहो मेरा बेटा, बताओ। मैम मैं 2 साल से बैंक की एग्जाम दे रही हूँ लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, और मेरे घर में शादी की बात मेरी चल रही है, तो क्या कब तक शादी हो जाएगी और मेरी जॉब शादी के पहले लगेगी या शादी के बाद?
तुम क्या चाहती हो? मैम शादी के पहले लग जाए तो ज्यादा अच्छा है। डेट ऑफ बर्थ है आपके पास आपकी? जी नहीं। चलो आपके सवाल का जवाब प्रश्न कुंडली से दूंगी, शादी के पहले लग जाए या बाद। वैसे एक बात बता दूं, जॉब तो आपकी शादी के बाद ही लगेगी, तो बेहतर है शादी कर लो। हाँ ये बात है, आज की लड़कियां स्वाभिमानी हैं, वो ये जरूर चाहती हैं कि अगर मेरे को जॉब पहले लग जाए, मैं खुद कमा रही हूँ तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन कई बार भाग्य पति की किस्मत से भी चमकता है, हर बार पत्नी ही ऊंची नहीं होती, ये बात आप याद रखिएगा। जीवन खूबसूरत है आपका, डरने की जरूरत नहीं। भगवान जी ने हमें कॉल किया है, क्या बात है भगवान जी बताइए। प्रणाम माता जी। प्रणाम बहन जी। जी 18/12/1950 18/12/1950 जी। टाइम 10:30। कौन सा 10:30? जयपुर राजस्थान। 10:30 कौन सा? 10:30 PM जी। सवाल? सवाल ये है कि मैं विदेश सेटल होना चाहता हूँ और व्यापार अलग हो गया है, तो उसका क्या क्या होगा? आपको नहीं लगता विदेश सेटल होने के बारे में आपने बहुत लेट सोचा? हाँ जी, हाँ जी। मतलब अब तो आपको वैसे ही सीनियर सिटीजन के नाम पर वीजा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम मुझे दिखती नहीं है। सेटलमेंट तो मुश्किल है बॉस, अब आप ये सोचे कि मैं वहाँ जाके अपना काम शुरू करूंगा तो ये तो होगा नहीं। लेकिन विदेश जा सकते हैं, रह सकते हैं, आ सकते हैं। और देखिए आपके माता पिता ने कितना खूबसूरत नाम रखा है, आपका नाम रखकर ही पाप धुल जाते हैं, तो जो भी आप चाहेंगे वो हो जाएगा। सफर को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे राशि की। कर्क राशि, चोट लग सकती है भाई, प्लीज संभल कर, मुझे चिंता है आपकी। नया वाहन खरीद सकते हैं, परिवार में खुशियों की वृद्धि होगी। नीले रंग का पेन अपने पास जरूर रखें, लेकिन आपको भी आंवला अर्पण करना है आज भगवान भोलेनाथ को। चलिए सफर को आगे बढ़ाकर सिंह राशि की बात करते हैं। संतान के सुख की प्राप्ति हो रही है, मिलेगी कोई गुड न्यूज, चोरी हो सकती है, नए विचार बनेंगे, मंदिर जरूर जाएं, और आज आपको आंवले भेंट करने हैं सूर्य को, मतलब सूर्य को जल दीजिए, उसमें थोड़ा सा आंवला मिला लीजिए तो बेहतर। कन्या राशि की बात करेंगे, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, क्रोध पर संयम रखें, रिश्ते खत्म हो सकते हैं, सरकारी काम पूरे होंगे, लेकिन अगर कोई काम पूरा हो रहा है उसमें अपने नहीं है तो वो काम किसी काम का नहीं है। कबूतरों को बाजरा जरूर खिलाएं आप, और आपको भी आज जो है शनि देव को आंवले अर्पण करने हैं, तो शनि मंदिर में जाकर आज आंवले जरूर चढ़ाएं। आज है आंवला नवमी और मैं हूं आपके साथ आपकी ज्योतिष आचार्य टैरो कार्ड रीडर वाई राखी। इस वक्त आप देख रहे हैं मुझे समाचार प्लस पर। हम आपको आज आंवला नवमी के चमत्कारी उपाय बता रहे हैं। कहते हैं आंवले के वृक्ष की जड़ों में दूध जरूर डालना चाहिए, तने पर कच्चे सूत का धागा लपेटना चाहिए, ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो आज उसे आंवले के पेड़ की परिक्रमा करवाइए, साथ उसे आंवले के पेड़ के आसपास बिठाइए जरूर, ताकि उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और उसके काम बन जाए। देखिए जीवन में कैसे बदलाव आप महसूस करेंगे। अगली कॉलर जुड़ी है हमारे साथ सुमन। सुमन जी बताइए, लगता है आपसे हमारा संपर्क टूट गया, फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। स्वागत है आप सभी का इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। खर्चों में कमी करनी होगी तुला राशि वालों, वरना आज खर्चा बढ़ सकता है, मन विचलित हो सकता है क्योंकि किसी से पैसे उधार मांगने पड़ेंगे। अब किसको अच्छा लगता है उधार मांगना, मेहनत का फल मिलता दिख रहा है। काजल का टीका आज आप जरूर लगाएं और आपको आज भगवान विष्णु को अर्पण करने हैं आंवले, तो आंवला नवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, चाहे आप किसी भी राशि के क्यों ना हो, तो आज आंवला खाना, आंवले का दान करना, आंवले का मुरब्बा दान करना और उसे खाना अनिवार्य है। बात करेंगे अगली राशि की, वृश्चिक राशि की। मन भक्ति में लगेगा, मान सम्मान मिलेगा, पिता की सेहत बिगड़ सकती है, पीपल पर हल्दी अर्पण जरूर करें आप वृश्चिक राशि वालों, और आपको पीपल के पेड़ पर आज आंवले अर्पण जरूर करें, 1, 2, 108, 104 ये आपकी इच्छा है। सफर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अगली राशि की जो है धनु राशि। लंबी यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं, खास मित्र से होगी मुलाकात, निवेश ना करें आज, घड़ी ना पहने आप। जी हाँ, गौर फरमाएं, मैं आपको वैसे ही कह रही हूँ कि घड़ी आज आपके लिए पहनना ठीक नहीं है। इनफैक्ट अब घड़ी पहनता ही कौन है, लोग अपना समय फोन पर ही देख लेते हैं। और अगर आपकी बात की जाए तो धनु राशि वालों, आज आपको केले के पेड़ पर आंवले अर्पण जरूर करने हैं। आज है आंवला नवमी और हम आपको बता रहे हैं समाचार प्लस पर आंवला नवमी से जुड़े कुछ अचूक उपाय। कार्तिक मास की नवमी बहुत महत्व है इसका, तो आप ये समझ लीजिए कि ठीक 2 दिन बाद जो है देव उठावन एकादशी, विष्णु भगवान सोकर उठेंगे, यानी तुलसी विवाह है। चलिए उपाय की बात करते हैं। रोली, चावल, धूप, दीप, वृक्ष की पूजा करें, आंवले की जो वृक्ष है उसकी पूजा करें, इससे व्यापार में वृद्धि होगी। और आप जो है गोपी चंदन भी जरूर पीपल के पेड़ पर और आज आंवले के पेड़ पर अर्पण करें, लेकिन पीपल के पेड़ को छुइएगा मत, दूर से स्पर्श कीजिएगा तो बेहतर। ममता स्वागत है आपका। जी जय माता, जोर से बोलिए ममता। मैडम
बहुत दुखी हूँ मैडम, इतनी दुखी हूँ बहुत ज्यादा मैडम, इतना तक कर्जा हो रहा है। मेरे पति 3 बजे से जाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं मैडम, किसी काम में कोई सफलता नहीं मिलती मैडम। अपना ऑटो चलाते हैं, मतलब जितना कमाते हैं उससे दुगना खर्च होता है मैडम, क्या करें, कोई सफलता नहीं मिली। पहले तो हिम्मत बंद करो, हिम्मत हारना बंद करो। और दूसरी बात ये कि ये जो तुम कह रहे हो ना, सफलता नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही, ये सारी चीजें ऊपर ब्रह्मांड में जा रही है, टकराकर वापस तुमसे ही टकरा रही है, ब्रह्मांड से छूकर तुम्हें टकरा रही है, इसलिए तुम असफल हो रही हो। पहले ये बोलो काम कर रहे हैं और मैं महसूस कर रही हूं, अब घर में ना थोड़ा माहौल अच्छा है, हम खुश हैं, कर्जा उतर जाएगा, भगवान ने चढ़ाया, भगवान ही अर्पण करेगा। आप तो खाली हाथ आई थी और खाली हाथ ही चली जाएंगी, और कर्जा उतारने की इच्छा भी आपके दिल में है तो आप ईमानदार हैं। सबसे बड़ी बात, भगवान विष्णु आपकी मदद करेंगे। इसके लिए जब पैसा जेब में नहीं होता तो भगवान की पूजा में भी दिल नहीं लगता। तो बच्चा परेशान मत हो, सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाया करो, शिवलिंग की पूजा किया करो और माँ पार्वती से कहो कि मेरे पति को तरक्की दे, जल्द ही। सोनिया जी स्वागत है। हाँ जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ 2/4/1997। टाइम 6:45 PM। सवाल जी, इसने है ना बीजीएमसी लिया है, तो क्या इसके लिए ये सही रहेगा? आपको बीइंग ए मदर क्या लगता है, सही रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, उसका इंटरेस्ट तो इसी में ही है। तो बिल्कुल सही रहेगा, घबराने की कोई बात नहीं है, इसकी नजर उतारो और हाथ में एक चांदी का कड़ा पहनो। शंकर जी स्वागत है। शंकर जी मेरी आवाज मिल रही है? खैर दर्शकों, एक बात तो जरूर बोलना चाहूंगी, आज का कार्यक्रम हमारा बड़ा मजेदार था, क्योंकि हमें शंकर ने कॉल किया, भगवान ने कॉल किया, लक्ष्मी ने कॉल किया, समस्त देवी देवताओं ने आज हमें जो है समाचार प्लस पर कॉल कर दिया। चलिए देखते हैं अगले कॉलर कौन है। यशपाल जी स्वागत है। हेलो मैम, नमस्ते जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशपाल है जी। बताइए क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटे का नाम? लवप्रीत सिंह। और डेट ऑफ बर्थ? उसका 2001 15 अप्रैल और दिन में 12:30। सवाल जी, मैं उसके भविष्य बारे में जानना चाहती हूँ, और वो गुस्सा बहुत करता है, 10th में पढ़ता है। देखिए गुस्सा करना इस जनरेशन की आदत है, क्लास 4th में पढ़ने वाले बच्चे की माँ से भी पूछ लो तो वो यही कहेगी कि गुस्सा करता है। आपका बच्चा गुस्सा ज्यादा करता है, सबसे पहली बात इसके दाएं पांव में काले रंग का धागा बांध दो, शनि मंदिर नियमित रूप से जाए, पढ़ाई बहुत ज्यादा इसके भाग्य में मुझे आगे दिखाई नहीं दे। शिवानी जी स्वागत है। नमस्ते मैडम। जय माता दी। जय माता जी मैडम। मैडम मेरा नाम शिवानी है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/11/1991 जी। मैडम मैं जानना चाहती हूँ क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं? मैं टीचर बनना चाह रही हूँ और अपनी तैयारी कर रही हूँ। बिल्कुल टीचर बन सकती हो और तैयारी करो, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। भावेश आपको आवाज मिल रही है? भावेश आवाज आ रही है आपकी? जी जी बताइए, अब आपकी भी आवाज आनी चाहिए, डिटेल्स बताइए जी। मैं 15/9/1996। 15/9/1996। इंग्लिश में बोलिए। 15 ठीक है। टाइम 15/11/1997। टाइम बताइए। सुबह 5 बजे। सवाल जानना चाहता है मैडम। किसके बारे में जानना चाहता है? मतलब इसके भविष्य के बारे में, इसके बारे में जो भी, मतलब इसका भविष्य तो आप ही बता देंगे, डेट ऑफ बर्थ भी आप ही बता रहे हैं, अपना भविष्य इसलिए मैडम। मेरा बच्चा एक बात समझो, जो इंसान खुद टीवी पर एक सवाल नहीं पूछ पा रहा उस बच्चे का क्या भविष्य होगा? कॉन्फिडेंस जीवन में इंसान को सब कुछ लेकर आगे बढ़ाता है। सबसे पहली बात, जो भी जिसने भी सवाल पूछा, मैं आपको बता दूं कि जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने जीवन को अपने हाथों में संचालित करो, बहुत अच्छा भविष्य आपका, कोई डरने की बात नहीं है। सफर को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे मकर राशि की। धर्म कर्म में खर्चा बढ़ेगा, मन खुश रहेगा, संतान साथ देती हुई दिखाई दे रही है। दही से स्नान जरूर करें, आज आपका मन खुश है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको भी करना है आंवले का दान, और वो भी किसको? शनिदेव को, तो आपके लिए बेहद ज्यादा उत्तम रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि की। पिता का साथ मिलेगा, क्रोध बिल्कुल ना करें, धन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, नीली कमीजा जरूर पहने, और आपको आंवले का दान करना है पवन पुत्र हनुमान जी के साथ साथ राम जी के चरणों में, तो दान करना बिल्कुल ना भूलें। सफर को आगे बढ़ाते हुए आखिरी राशि तक पहुंच गए और बात करते हैं मीन राशि की। विरोधियों से दूर रहें, परिवार में कलह के योग है, उधार पैसे ना दें ना लें, आज भागवत गीता मंदिर में दान दें या भागवत गीता का पाठ करें, और आपको आंवला चढ़ाना है साईं बाबा पर, जी हां, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो।
इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार प्लस, मैं हूं ज्योतिष आचार्य टैरो कार्ड रीडर भाई राखी और हम आपको बता रहे हैं आज आंवला के वृक्ष से जुड़े कुछ अचूक उपाय, क्योंकि आज है कार्तिक मास की आंवला नवमी। आंवले को कहा जाता है अमृत फल, आंवले के बेहद ज्यादा फायदे हैं। चलिए अगला उपाय, महिलाएं आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमाएं कर ही भोजन करें, ऐसा करने से जन्मों जन्मों के पाप मुक्त हो जाते हैं। और आप जब आंवले की परिक्रमा कर रही हो, आपके पति आपके बच्चे साथ में हो तो बहुत ही बढ़िया। चलिए वक्त हो गया एस्ट्रो आंटी की लकी टिप का, और एस्ट्रो आंटी अपनी लकी टिप में बता रही है कि चांदी की कटोरी में चम्मच से दही शक्कर मिलाकर पति पत्नी एक दूसरे को खिलाए, खासकर पत्नी खिलाए तो रिश्ते मधुर और बढ़िया होते हैं। लेकिन क्या सच में सिर्फ दही चीनी खिलाने से रिश्ते अच्छे होते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। एक दूसरे को इज्जत देने से और एक दूसरे में विश्वास रखने से सपने पूरे होते हैं। आपको आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।